झड़ते मालों को रोकने के बहुत से ट्रीटमेंट दुनिया में उपलब्ध है, लाइक होम्योपैथी मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन, पीआरपी थेरेपी, जीएफसी थेरेपी, लीज थेरेपी, हिजा मैनुअल, बहुत सारे हैं। बट एक बार जब सर पे गंजापन आ जाता है तो उसको ख़त्म करने के लिए कोई दुनिया में मेडिसिन उपलब्ध नहीं है जो आपके गंजेपन को समाप्त कर सके। लेकिन इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है जो आपके इस गंजेपन को समाप्त कर सकता है, वो है सर्जिकल प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन। हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, आप लोगों ने नहीं देखी है तो कुछ वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट फिर भी जब आपको रिटेन वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो हेयर ट्रांसप्लांट के प्रॉपर प्रोसेस के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ वीडियोज के माध्यम से आपको मैं बता दूंगा। लेकिन इस हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर लोगों में बहुत सारे डाउट है, बहुत सारे कन्फ्यूजन है, या फिर यूँ कह सकते हो कि हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग डरे हुए हैं क्योंकि उन तक एक सही नॉलेज नहीं पहुंचा है। इस डर के पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न है, वो ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कैंसर हो सकता है, या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कैंसर होता है। यहाँ तक कि कई सारे लोगों में ये भी डाउट है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद आपके 12 महीने में रिजल्ट वापस आ जाते हैं, काफ़ी अच्छे घने रिजल्ट आपको मिल जाते हैं, उसके बाद भी कैंसर की पॉसिबिलिटीज होती है। इवन यहाँ तक एक दो लोगों में ये भी भ्रांति है कि एक दो लोगों को जो ट्रांसप्लांट करवाए थे उनको कैंसर भी हुआ है। क्या यह सच है? सच है तो इसके पीछे क्या रीज़न है, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये दुनिया में एक भ्रम की तरह मिथ्या के रूप में फैला हुआ है, इन सब के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ सोनू कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यदि मैं अपना परिचय दूँ आपको, तो आज से अप्रोक्स 3 साल पहले मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ था। आज के डेट में मैं बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित आपके सामने उपस्थित हूँ, जैसा कि आपको मेरे फेस के आपको दिख भी रहा होगा। अब बात करते हैं कि क्या सच में हेयर ट्रांसप्लांट से कैंसर हो सकता है। इसका साफ साफ उत्तर है नहीं। इवन आज तक कोई भी ऐसा पेशेंट जिन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हो, उनमें नहीं पाया गया कि हेयर ट्रांसप्लांट के कारण उनको कैंसर हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ मिथ्या है जो लोगों तक एक भ्रम फैलाई गई है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब भ्रम फैलाने के पीछे लोग कौन से हैं? देखो, ये वो लोग हैं जिनका धंधा कह सकते हो आप हेयर ट्रांसप्लांट के रहते हुए नहीं चल सकता। अब मैं कोई किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर आक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन इसके पीछे ये लोग हो सकते हैं क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट से उनके बिजनेस को नुकसान हो रहा है। दुनिया में हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा सर्जिकल प्रोसेस है जिससे आप नेचुरली अपने हेयर को वापस पा सकते हो। हालांकि इसके थोड़े बहुत कुछ साइड इफेक्ट है यदि आप प्रॉपर तरीके से इसका ध्यान नहीं रखते हो तो, लेकिन वो बहुत बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है जो आपके पूरे लाइफ को इम्पैक्ट करे, बहुत नॉर्मल सा रहता है एंड जिसको टाइम रहते भी आप रिकवरी भी कर सकते हो। साइड इफेक्ट क्या क्या है यदि आप ये भी चाहते हो तो नीचे कॉमेंट कर सकते हो, मैं इसके ऊपर भी वीडियो ला दूंगा। नाउ व्हाट डिड, यदि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को अप्रॉक्स 3 साल कम्प्लीट हो चुके हैं। 3 सालों में मेरे को किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ी है, तो सिर्फ और सिर्फ लोगों की बातें, जो लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं। आज से 3 साल पहले जो लोग मुझे एक हे दृष्टि से देखते थे, मुझे ना देखकर मेरे बालों को ज़्यादा गौर करते थे, नाउ अडेज वो लोग जो है सामने से आकर मेरी तारीफ करते हैं। एंड जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो तो दैन डेफिनेटली लोग आपको एक लेग पुलिंग वगैरह करते हैं, बट नाउ अडेज वो लोग जो है कॉम्प्लीमेंट देते हैं मेरे कॉन्फिडेंस को, मेरे लुक को, एंड मैंने अपनी पर्सनैलिटी भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस किया है इन सब चीज़ों को। सो हेयर ट्रांसप्लांट से कैंसर नहीं होता है, ये बात मैं आपको अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बट इसके ऊपर मैंने अप्रॉक्स 10+ डर्मेटोलॉजिस्ट, सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, जनरल सर्जन से बात किया है, उसके बाद मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। यदि आप भी किसी डॉक्टर से कंसल्ट करोगे तो आपका इसका उत्तर यही मिलेगा कि हेयर ट्रांसप्लांट से कोई भी किसी भी तरह का कैंसर नहीं होता है। सो आई होप सो कि आपको बात समझ में आई हो। फिर भी यदि हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर आपके मन में डाउट है, ऊपर आपको मेरा नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप का, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल मिल जाएगा, आप इंस्टाग्राम पे आके फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं आपके डाउट को, जो भी आपके मन में डाउट है, या फिर कॉल पर बात करके फिर चैट के माध्यम से डेफिनेटली उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।